उत्तराखंड के अल्मोड़ा में धारनौला क्षेत्र में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब जंगल में आग लग गई और ये आग इतनी जबरदस्त लगी कि यहाँ का एक प्राथमिक स्कूल बक के परिसर तक पहुँच गया। बता दें कि इस दौरान क्लास में बच्चे पढ़ रहे थे जिसके बाद चीख पुकार मच गई। वहीं प्रिंसिपल ने बच्चों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिलने पर दमकल विभाग को बुलाया गया, जहां दमकल कर्मियों की तकरीबन एक घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया गया। फिलहाल स्कूल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा है। बता दें कि जिले में सर्दी के मौसम में अब तक जंगलों में आग की सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आ रही हैं। अब तक 120 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल आग में जल चुके हैं। बुधवार से ही फायर सीजन की शुरुआत हुई और इस सीजन की पहली घटना भी इस दौरान सामने आ गई। ऐसे में वन विभाग के लिए जंगलों को आग से बचाने की एक बड़ी चुनौती है। अब वन विभाग का कहना है कि हर सेंटर में 4 फायर वॉचर तैनात हैं जो जंगलों की आग से सुरक्षा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।